नमस्कार, मैं अनुराधा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी सिंपल अनु में। आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो कुछ मेकअप प्रोडक्ट की लेके आई हूँ जो मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं। जी, मार्केट से ख़रीदे हैं, ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं, क्योंकि घर में अभी है शादी। तो जो जो सामान मैंने ख़रीदा है, बहुत सारा सामान ख़रीदा है, तो इतना अभी मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में आया है वो है मेरा फाउंडेशन, ये है लैक्मे। इससे पहले जो मैं मेकअप करती थी, जब तैयार होती थी, तो हमेशा जो लैक्मे की सीसी क्रीम आती है इससे तैयार होती थी। ये बहुत अच्छी है, आज भी मैंने यही यूज़ किया है, बट ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है फर्स्ट टाइम। मैंने अभी तक फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, या तो मैं पोन्स की यूज़ करती हूँ या फिर अपनी ये लैक्मे की सीसी क्रीम। तो ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, इसकी बॉटल बहुत अच्छी लग रही है। मेरा जो इसका जो शेड है वो है 02, दो नंबर है, और ये है इनविजिबल फैशन फाउंडेशन, फिनिश फाउंडेशन सॉरी। तो देखते हैं इसकी क्वांटिटी, ये देखिए अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी है, और इसमें इस तरह से डैप डैप करके लगाना होगा। जब मैं लगाऊंगी तब तो आपको इसकी वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो एक तो मैंने ये ख़रीदा है, ये है मेरा शेड नंबर 02, यानी कि 02 जो इस पर लिखा हुआ है, और इस पर है SPF 8। और दूसरी चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो है लैक्मे का काजल, लैक्मे का आईलाइनर। तो लैक्मे का जो काजल है मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। इससे अभी मैंने जो आँख में लगाया है वो दूसरा वाला है, लेकिन अभी इसकी पैकिंग मैंने खोली नहीं है। तो एक तो मैंने ये लिया है, और ये मुझे कितने का मिला है, 185 रुपीज़ लिखे हुए हैं। तो ये मुझे मार्केट से ख़रीदा है, तो लगभग इतने का ही पड़ा है मेरे ख्याल से, 180 का पड़ा है, 185 है। तो दुकान वाले भैया ने शायद 5 रुपीज़ इस पर कम किए हैं। और जो दूसरी चीज़ है ना, चुटकू सा मेरा आईलाइनर, और ये छोटा ज़रूर है लेकिन बड़े काम का है। मैंने इससे पहले जो था वो मैं ये वाला लगाती थी, ब्लू हेवन का, अभी मैंने ब्लू हेवन का लगाया है आईलाइनर, ये भी अच्छा है। बट इसका जो ब्रश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बारीक है, मतलब इतनी आसानी से, मैंने एक बार इसे लगा के देखा इसलिए बता रही हूँ, इतनी आसानी से लगता है। ये देखिए, और मैं इसे आपके हाथ अपने हाथ पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ एकदम फाइन लाइन आती है, जैसे आप अपने आँख पे इसे लगाते हो, कोई इधर उधर नहीं फैलता, क्योंकि इसका जो ब्रश है वो बहुत ही पतला है, इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और इतना चुटकू सा है कि स्पेस तो बहुत ही कम लेगा आपके हैंड बैग में या आपके जो मेकअप किट है उसमें। तो एक मेरा ये हो गया। दूसरी मैंने ख़रीदी हैं बहुत सारी, अपनी लिपस्टिक कहाँ कहाँ खो गई, यहीं तो पड़ी थी, ये रही, ये लिपस्टिक है, ये वाटरप्रूफ है, ये है मेरी एलिप्स गोल्ड की, ये है लिपस्टिक मैट लिप ग्लॉस, और ये हैं 2-in-1, इधर है इसकी लिक्विड लिपस्टिक और इधर है इसकी बुलेट। तो ये देखिए, ये इसकी बुलेट लिपस्टिक है, और यहाँ नीचे की तरफ जो है इसका रख देती हूँ कवर, और ये नीचे की साइड जो है वो लिक्विड है। और ये एक बार मैंने इसको ट्राई किया है, जब मैं वीडियो बनाई है मैंने, तो लगाया है और बहुत अच्छी है इस, मतलब बिल्कुल नहीं हटती, आप कुछ भी खाओ पियो। शाम तक मेरी जो लिपस्टिक थी वो वैसी की वैसी लगी हुई थी, तो ये मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी। और ये मुझे मिली थी 250 रुपीज़ की। एक मैंने ली है मेकओवर की, ये काफ़ी कॉस्टली, सबसे कॉस्टली मुझे यही लगी, बट इसका जो शेड है वो बहुत ही अच्छा था, एकदम पिंक, लाइट पिंक कलर है। मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ पे, ये देखिए, ये थोड़ी कॉस्टली थी, ये मेरे मुझे मिली है 400 के उसमें मिली है, मुझे पूरी तरह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 400 मुझे याद आ रहा है, मार्केट से लिया है तो ये मुझे इतने की ही मिली है। और एक जो लिपस्टिक है वो पिंक कलर की है, ये मैट है, लगाने के बाद आप कुछ भी खाओ पियो ये कहीं से कहीं तक नहीं जाती, कहीं मतलब ट्रांसफ़र नहीं होती है ये, चाहे आप पानी पियो। ये रानी कलर है, डार्क रानी कलर, ये देखिए। और ये लिपस्टिक है ब्यूटी लिप्स की, और इस पर लिखा हुआ है नॉन ट्रांसफ़र, मतलब आप किसी भी चीज़ पर आप इसे लगा लोगे तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगी, इधर से उधर नहीं हटेगी,
तो ये मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगी। और इसका जो शेड नंबर है वो है 29, और जो मेकओवर का जो शेड था मुझे बताने का याद नहीं रहा है इसका, मेकओवर वाले का जो इसका शेड है 041 इसका जो शेड नंबर और क्वांटिटी है इसकी 4.2 ग्राम, और इसकी भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, इसकी भी लगभग इतनी है, तो काफ़ी बड़ी लिपस्टिक है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी, एक बार मैंने इसको जरूर लगा के जो है देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पूरा दिन आपके लिप्स पे लगी रहती है, आप कितना भी खाओ पियो, चाहे आपने आजकल इसे मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क आपको लगाना ही लगाना है, तो मास्क पे भी ये ट्रांसफ़र नहीं होती है, मास्क आपका साफ रहता है। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी। एक मैंने लिया है अपना मस्कारा, ये ज़रूरी है, ये वाटरप्रूफ है, गर्मी है तो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो आईलाइनर मस्कारा हैं वो ज़्यादातर मेरे पास वाटरप्रूफ हैं। ये है अल्ट्रा ट्रैक और ये है द फैशन ब्यूटी फैक्ट्री, इस पर लिखा हुआ है ऊपर द फैशन ब्यूटी फैक्ट्री अल्ट्रा ट्रैक वाटरप्रूफ मस्कारा, और ये मुझे मिला है 299, 300 रुपीज़ का है ये मस्कारा। और जो दूसरी चीज़ पील ऑफ मास्क, ये है एवर यूथ का एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, ये मुझे बहुत पसंद है, जब कहीं जाना होता है और फेशियल का टाइम नहीं होता है तो बस आपको स्क्रब करना है, स्क्रब करने के बाद आप ये मास्क लगा के 10-15 मिनट में आपका फेशियल हो जाता है, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है। ये है एवर यूथ का पील ऑफ मास्क और ये है विद 24 कैरेट गोल्ड, तो भाई गोल्ड तो बहुत महंगा है, इसमें गोल्ड है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर इसमें लिखा हुआ है कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, एवर यूथ एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, और ये है नेचुरली ग्लोइंग स्किन के लिए, और इसे सिर्फ 15 मिनट लगाना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुझे मिला है। और जो एक और चीज़ मैंने ख़रीदी है वो है मेरी नेल पेंट, ये है 10 ब्यूटी क्विक ड्राई नेल पेंट, मतलब इसे लगाते ही ये सूख जाती है, तो सबसे अच्छी बात यही होता है कि जब कहीं जाना होता है पार्टी में या कहीं, तो इतना टाइम नहीं होता कि 1 घंटे तक आप नेल पेंट लगा के बैठे रहो, इसे लगाओ और लगाने के 1 से 2 मिनट में ही ये सूख जाती है, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी। और कलर है इसका लाइट पिंक, मुझे लाइट पिंक कलर बहुत पसंद है, ये देखिए मैं अभी अपने नेल्स पर आपको लगा के दिखाई देती हूँ, मैंने नेल पेंट नहीं लगाया है तो मैं अपने नेल्स पे आपको इसे लगा के, तो ये देखिए बहुत लाइट कलर है, लाइट पिंक कलर है, मतलब प्याजी सा कलर है, मेरी एक साड़ी है इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ, तो सबसे अच्छी बात मुझे इस नेल पेंट की यही लगी। तो बस यही थी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने की है, घर में शादी है तो इसलिए बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट जो हैं वो ख़रीदने थे, जो थे मेरे पास वो पुराने भी हो गए थे और कुछ एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए मैंने कुछ मेकअप का सामान खरीदा था। तो ये रही आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।